अस्सलामुअलैकुम, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल हैदराबादी टंग्स किचन। आज हम बनाएंगे हैदराबादी कैरी की खट्टी दाल। तो इसके लिए मैं तुअर की दाल ले ली, धो के ले ली मैं तुअर की दाल को। अब हम टमाटे ले लेंगे काट के, हरी मिर्ची ले लेंगे और कैरी को ग्रेट करके ले लेंगे। इसके साथ में कैरी की गुठली भी ले रही हूँ। अब ये सब चीज़ों को हम दाल में डाल देंगे। पाव किलो दाल है ये, तीन टमाटे डाली मैं, मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए और थोड़ी सी कोथमीर काट के डाल दी मैं। 1 स्पून हल्दी पाउडर डाल देंगे, जीरा डाल देंगे आधा स्पून से भी कम, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे 1 स्पून से थोड़ा कम। ज़ीरा डालने से टेस्ट अच्छा आता, कभी आप ट्राई करके देखिए। नमक डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से, कुकिंग ऑयल डाल देंगे 2 स्पून जितना। अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे, दो से तीन गिलास पानी ऐड कर देंगे हम दाल गलने के लिए। अब हम ये सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। बहुत मज़े की बनती कैरी की भी दाल, एक बार ट्राई कीजिए आप भी। कैरी का सीज़न भी चल रहा। अब हम ढक्कन ढाँप के दाल गलने तक पका लेंगे हम। ये देखिए, ये चेक कर लेंगे दाल गली नहीं गली। दाल गल गई, अब हम इसको घोट के ले लेंगे दाल को। ये जो कैरी की गुठली है उसको साइड में निकाल लेना हम, नहीं तो घोटने नहीं आता। दाल गुठने से अच्छे से घोट लेंगे। ये देखिए दाल भी घोटे गई है। अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे ज़रूरत के हिसाब से, जितना हम आपको लगता। कितनी गाढ़ी होना पतली होना आप अपने हिसाब से रख लीजिए, मेरे लिए तो ये बराबर है। और जो कैरी की गुठली हम साइड में निकाल के रख दिए थे, फिर से इसमें ऐड कर देंगे हम। वो ऐड कर दी मैं, अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। अब हम इसमें स्टोव ऑन करके करियापा के 3 से 4 काढ़ियाँ डाल देंगे। अब इसको बॉईल आने तक हम ढक्कन ढाप के पका लेंगे। ये देखिए बॉईल आ गया दाल में, 2 सेकेंड तक पकाएंगे हम इसी तरह से इसको। कोथमीर डाल देंगे थोड़ी सी काट के और नमक भी आप टेस्ट कर लीजिए, अगर कम है तो नमक भी ऐड कर लीजिए। अब हम बघार के लिए कढ़ाई गरम कर लेंगे, कुकिंग ऑयल डाल देंगे हम इसमें भी। तेल गरम हो गया, लहसुन डाल देंगे, 8 से 10 लहसुन की कलियां डाल दी मैं। बघार में तेल ज़्यादा रहता तो अच्छा दिखता, आप अपने हिसाब से ले लीजिए। अब हम ज़ीरा डाल देंगे इसमें, अब हम राई भी डाल देंगे साथ में। वन स्पून से थोड़ा बढ़ के ली मैं ज़ीरा, राई 1 स्पून ली। अब हम इसमें करियापाक डाल देंगे, सूखे लाल मिर्चियाँ डाल देंगे 4 से 5। अब ये बघार को हम अच्छा लाल कर लेंगे।
दाल के साथ आप सिर्फ पापड़ के साथ भी खाए तो अच्छा दिखता आप, या फिर तले हुआ गोश्त तल लीजिए आप, वो भी रेसिपी है मेरे वीडियो चैनल पे। और गोश्त के अचार की भी रेसिपी मैं अपलोड करने वाली हूँ बहुत जल्द। आप इसको गोश्त के अचार के भी साथ खा सकते हैं। बघार को इस तरह से हिलाते जाएंगे। रेडी हो गया बघार, अब हम दाल में बघार लेंगे। मैं वीडियो में बताना है बल्कि ढक्कन नहीं ढाप रही हूँ बघार के लिए, नहीं तो आप थोड़ा सा ढक्कन ढाप के बघारिए दाल को, नहीं तो तेल उछलते रहता। अब जो कड़े में बघार बच गया उसमें थोड़ी दाल डाल के हिला के डाल देंगे। रेडी हो कैरी की खट्टी दाल। तो ये थी आज की रेसिपी, हैदराबादी कैरी की खट्टी दाल। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और जो मेरे चैनल पे नए हैं, अगर मेरी रेसिपीज आपको अच्छी लगती है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।